हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड पार्ट ऑफ एल्कीन साइक्लोएल्केन डाइईन एंड एल्काइन यूनिट। एंड हमने लास्ट पार्ट में जो डिस्कस किया था, हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन पे बात करी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज बताती थी मैंने आपको तीन, और केमिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल पे था, मैं एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल पढ़ाया था। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल परोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, उसे परोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और खरास नाम के साइंटिस्ट ने दिया था तो उसे खरास इफेक्ट भी कहते हैं। अब सेकंड पार्ट में मैं आपको कुछ नई रिएक्शंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ एल्कीन की। तो चौथी केमिकल प्रॉपर्टी में बात कर लेता हूँ एल्कीन के रिएक्शन विद हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। तो जब हम एल्कीन की रिएक्शन HOCl से कराते हैं, कोई भी एल्कीन ले लो आप, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल जैसा मर्जी हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है, तो प्रोपीन की रिएक्शन करा देते हैं HOCl से, तो ये जब टूटेगा तो पॉजिटिव निगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, बॉन्ड टूटा पर ये यहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो CH3CHOH और आपके पास CH2 और इस जगह पे CH, इस तरीके का आपके पास कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहाँ जाता है, हाइड्रोजन कम होते हैं, वही आपके पास वही लॉजिक है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो निगेटिव में टूटा है, क्लोरीन उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव में ब्रेक होता है, तो इस तरीके का ये हो गया। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पर हम बात कर लेते हैं आपके पास हाइड्रोक्लोरेशन, नेम रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से सीखेंगे। हाइड्रोबोरेशन एल्कीन के तीन मॉलिक्यूल की रिएक्शन मैं एक साथ करा रहा हूँ, आप स्टेप बाई स्टेप मैकेनिज्म भी समझ सकते हैं। फिलहाल मैं इसकी रिएक्शन को बता देता हूँ, ये आपने तीन मोल्स ले लिए एल्कीन के, आप एथीन भी ले सकते थे, मैंने आपको अंडरस्टूड जान बूझ के ये वाला लिया है ताकि मैं आपको यहाँ पर एक वो भी समझा सकूँ कुछ और जो मालूम का वो लगता था। ये बॉन्ड टूटा बोरोन पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे नेगेटिव आता है, ठीक है, और इसे बोरोन हाइड्राइड कहते हैं, BH3 कहते हैं, बोरोन हाइड्राइड है, तो हाइड्राइड है तो हाइड्रोजन पर निगेटिव आता है। IDE वर्ड जनरली निगेटिव वाले के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं, जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, तो एल्कीन का ये बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन यहाँ कम है तो यहाँ जाएगा, लेकिन अगर हम ट्रिक से सीखते कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा दे दो तो ये फेल कर जाता। यही लॉजिक है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में आपके पास मार्कोनिक वाला फेल करने लगता है, फेल नहीं करता वो एक्चुअली में फॉलो करता है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो फॉलो करता है, ट्रिक के बेसिस पर फेल कर जाता है, तो ट्रिक का भी ध्यान नहीं रखेंगे। फिर से ये बॉन्ड टूटा, ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में टूटेगा, ये वाला यहाँ, ये भी निगेटिव में टूटेगा, ये वाला हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे आएगा तो क्या दिखाई देगा, CH3CH को एक एच मिल जाएगा CH2 और आपका CH2, फिर CH3CH मिलेगा CH2 और CH2 और ये वाला आपके पास CH2। अब यहाँ पे इन तीनों की एक एक वजह से खुली है, इसकी खुली है, इसकी खुली है, इसकी खुली है, और तीनों बोरोन से कंप्लीट कर रहे हैं। आप इसे बोल सकते हो ट्राई प्रोपाइल एल्काइल ग्रुप एंड ट्राई प्रोपाइल बोरोन, तो ट्राई प्रोपाइल बोरोन का फॉर्मेशन हुआ। फिर आप इसका क्या कराते हो, हाइड्रोजन परोक्साइड के तीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराते हैं, HOH से रिएक्शन कराते हैं, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, तो इन इसकी 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 सबकी इनकी एक वैलेंसी, इसकी एक वैलेंसी, इसकी एक वैलेंसी, तो एक OH इसको, एक OH इसको, और एक OH इसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, तो CH3CH2CH2 और आपका OH, फिर CH3CH2CH2OH, फिर CH3CH2CH2OH, तो तीन ये बन जाएंगे, बाकी B और B के पास तीन OH, ये जो है बी OH का पॉलीफ्राइज ये बन जाएगा। तो ये आपका बोरिक एसिड भी है, H3PO3 भी लिख सकते हो, बोरिक एसिड 11 में भी यूज किया जाता है, इसकी बहुत चिकना सा होता है। बाकी आपके पास जो मेन बना है वो एल्कोहल बना है, एल्कोहल बनाने के प्रिपरेशन मेथड वाले एल्कोहल वाले चैप्टर में भी रिएक्शन काम करती है, बाकी एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी में भी ये काम करती है। इसके मैकेनिज्म अगर मैं स्टेप बाई स्टेप शो करना है तो आपको शो करके दिखाते हैं। हाइड्रोक्लोरेशन की रिएक्शन दिखाई आपको एक ही बार में, मैंने तीन दिए थे, आप अलग अलग स्टेप में शो करके दिखा सकते हो। ये एल्कीन है, आपके पास BH3 से इसकी रिएक्शन कराते हैं, ये बॉन्ड टूटा, BH नेगेटिव जब BH2 इस तरीके से लिख लेता हूँ इसे, तो ये टूटेगा पॉजिटिव, एच निगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, सॉरी यहाँ पे एच होगा तभी चार गैलेक्सी हो पाएगी, एच यहाँ जाएगा BH2 इसको मिल जाएगा, तो ये बनेगा CH3CH2 और CH2 और आपका BH2। फिर आपके पास ये जो बना है इसकी रिएक्शन फिर से एल्कीन से कराते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH और इसकी रिएक्शन करा देंगे H और BH और आपके पास CH2CH2CH3, तो ये फिर से वही पॉजिटिव निगेटिव, ये जाएगा हाइड्रोजन हमें, तो ये जाएगा यहाँ इसके पास, तो CH3CH
इसको एक H मिल जाएगा तो ये CH2 फिर ये आपका CH2 और आप यहाँ देखोगे तो B पे एक H लगा है और यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप CH2 और यहाँ पर आपका CH3। फिर इसकी रिएक्शन दोबारा से एल्कीन से करा देंगे CH3CH2 नीचे करा दिया मैंने तो ये टूटेगा नेगेटिव और ये टूटेगा पॉजिटिव क्योंकि हाइड्राइड है तो हाइड्राइड है तो एच नेगेटिव में टूटता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है और बोरोन से जुड़ेगा बोरोन जब इस वाले कार्बन से कनेक्ट होगा तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा CH3CH2CH2CH3CH2CH2। फिर एक CH3CH इसको एच मिला CH2 और ये CH2 इसकी एक वैलेंसी तो बोरोन से थी ही और ये बोरोन में CH2 वाले से कनेक्ट हो जाएगा फिर ट्राइएंगल बोरोन फिर वही है H2O2 के तीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा करके फिर आप इसे फिर अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो जैसे रिएक्शन में किया था बहुत सिंपल। तो ये आपके पास हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी पर बात करी तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेम रिएक्शन है नाम से पूछी जाती है तो आपको ये ध्यान रखना है। हाइड्रोफोरेशन के रिएक्शन में कहते मैंने आपको बात करी। अभी हम बात करते हैं ओजोनोलिसिस पर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। जब कभी भी एल्कीन की ओजोन से रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होता है आओ सीखें। ये आपका एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन ओजोन से कराते हैं O3 से, ये होता है O3 को आप चाहो तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। ये इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। जब आप रिएक्शन कराते हो तो ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, सबकी एक वैलेंसी खुली तो अब ऐसे मैं समझना दो दो मॉलिक्यूल है, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया CH2, इसकी एक वैलेंसी खुली, इसकी एक वैलेंसी खुली, ऑक्सीजन की भी खुली थी, खुली हो गई और ये इस तरीके का कंपाउंड बना देता है जिसे आप ओजोनाइन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ओजोनाइन। फिर आप इसका क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस ZN की प्रेजेंस में। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे से ब्रेक होता है, ये ऑक्सीजन इस H2O के साथ H2O2 की फॉर्मेट में बाहर, जैसे H2O2 की फॉर्मेट में बाहर निकलेगा तो आप ध्यान से देखोगे तो CH2 एक O ये बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन की वैलेंसी, ये बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी, डबल बॉन्ड पूरी प्लस CH2 डबल बॉन्ड। आप चाहो तो इसे CH2O को CH2O ऐसे और CH2O ऐसे या फिर 2HCHO भी कह सकते हैं, मतलब सिंपली ये बन गया। आप देखोगे तो ये एल्डिहाइड है, फॉर्मेट नहीं आएगा तो दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के बनते हैं। तो अब मैं जनरली इस रिएक्शन को बताता हूँ, बाकी आप एल्कीन कोई से भी ले लेना, आप इस तरीके से बना सकते हो कि कोई भी एल्कीन है चाहे प्रोपीन ब्यूटीन बेंजीन कुछ भी हो। आपके पास जनरली होता क्या है कि आपके पास यहाँ पर एक ओजोनाइड बनता है इंटरमीडिएट और आपके पास हाइड्रोलिसिस कराते हैं ZN की प्रेजेंस में, तो आपके लिए इस तरीके से ब्रेक होकर के H2O और एक O H2O2 वहाँ निकाले हैं, एक O इसको मिल जाता है और एक O आपके पास इसको मिल जाता है। तो ये आपके पास एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होता है, डिपेंड करता है यहाँ पे किस तरीके के हैं, तो एल्डिहाइड भी बन सकते हैं कीटोन भी बन सकते हैं। तो जैसे आपके पास सपोज आपको इस तरीके आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने एक ही रिएक्शन ओजोन से कराई तो आपका एक रिएक्शन इंटरमीडिएट ओजोनाइड बना, इससे पता चल जाएगा कि ओजोनोलिसिस है। आपने हाइड्रोलिसिस कराया तो आपके पास प्रोपेन ऑन बना है, प्रोपेन टू ऑन बना है और दूसरी साइड आपके पास प्रोपेनल बना है। तो आपको ए के बारे में बताना कि ए क्या चीज़ है, हमें पता नहीं है कि ए क्या है लेकिन हमें इसकी ओजोन से रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास एक इंटरमीडिएट बनता है। फिर आपको इस तरीके का क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपको यहीं से पता चलेगा प्रोपेन टू ऑन है, तो प्रोपेन टू ऑन है तो आपके पास प्रोपेन टू ऑन कुछ इस तरीके का होगा, प्रोपेन टू ऑन और प्रोपेनल है तो प्रोपेनल क्या होगा CH3CH2 और आपके पास CH डबल बॉन्ड को इस तरीके का रहा होगा। तो आप सोचो कि आपके पास यहाँ हुआ क्या था कि आपके पास डबल बॉन्ड था तो वो टूटा था, एक को इसको मिल गया था फाइनली लास्ट। तो अब आपके पास यहाँ पे इसको O और इसको O है तो अगर यहाँ पे से O हट जाए और इनके बीच डबल बॉन्ड आ जाए तो वही A रहा होगा। आप यहीं से A का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, इस तरीके की बारे में A के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। तो आप O हटा दो कार्बन कार्बन में भी डबल बॉन्ड लगा दो तो जो भी बचेगा वो आपका A रहा होगा। आप चाहो तो यहाँ पर इसके रिएक्शन कराओगे तो ये बॉन्ड टूटता फिर यहाँ O जुड़ जाता ओजोनाइड और हाइड्रोलिसिस करा देते तो वो फॉर्म हो जाता। तो इसके बेसिस पर आप बहुत सिंपली A के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। इस तरीके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोपेन एक प्रोपेनल बना एक एथेनल बना तो तब बताओ कि ये A क्या रहा होगा, इस तरीके का ओजोनाइड वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें पहले की है, नेम रिएक्शन है वो ऑक्सी मर्क्यूरेशन है, उस पर बात करता हूँ। ऑक्सीमर्क्यूरेशन इसमें क्या होता है कि जब आप एल्कीन की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसिटेट के
कुछ इस तरीके का होगा CH3CO, अगर यहाँ पे Na होता तो सोडियम एसिटेट हो जाता, पोटेशियम एसिटेट हो जाता, तो यहाँ पर मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी की दो लाइन सी होती है, तो ये मर्क्यूरिक एसिटेट है। मर्क्यूरिक एसिटेट के एक्वस सॉल्यूशन से जब आप एल्कीन की रिएक्शन कराते हो तो ये टूटता है पॉजिटिव, ये टूटे तो नेगेटिव, एच पॉजिटिव बोलते हैं, तो सी एस थ्री ओ ओ नेगेटिव और एक एच पॉजिटिव, पहले तो यहाँ से सी एस थ्री सी ओ ओ एच निकल जाता है। आपके पास ये नेगेटिव वाला पार्ट है, पॉजिटिव वाला पार्ट है, तो एल्कीन वाला एडिशन रिएक्शन देते हैं, बॉन्ड टूटा दोनों की एक इक्विवेलेंसी को नहीं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, तो ये पॉजिटिव वाला इससे जुड़ेगा, तो यहाँ पे आपका OH आएगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे आपका OH CH2 है, इस CH2 से आपके पास जुड़ेगा HG और OO CH3 COOH, इस तरीके का करेंगे जिसका हम हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या होता है, CH3COO और यहाँ से H, CH3COOH बाहर, HG और आपके पास O, तो HGO मर्क्यूरी ऑक्साइड बाहर हो जाता है और आपके पास CH3COH और ये CH2 है, इसको एक H यहाँ जुड़ जाता है, वो इसको मिल जाएगा और फाइनली आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो प्रोपेन टू वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी है, जिसमें से आपने एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी में आपने एल्कोहल का फॉर्मेशन किया है। एक केमिकल प्रॉपर्टी पे और बात करते थे, परऑक्सीडेशन, परऑक्सीडेशन, परऑक्सीडेशन परऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो आप यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन कराते हो एल्कीन का, यहाँ आपका एल्कीन है, MCPVA भी ले सकते हो, मेटा क्लोरोपरमेंजोइक एसिड बोला जाता है, या फिर सिंपली आप ऑक्सीडेशन करा दो, तो ये बॉन्ड टूटा दोनों की एक एक वैलेंसी खुल गई, जैसे ही दोनों की एक एक वैलेंसी खुलेगी तो ऑक्सीजन इनके बीच में फिट हो जाएगा, तो इनके बीच ऑक्सीजन होता है तो इसे ईथर कहते हैं, तो ये साइक्लिक ईथर है और इसे इपॉक्साइड कहते हैं, बाकी इपॉक्सी दो कार्बन है तो एथेन, तीन वाले होते तो प्रोपेन हो जाता है, इपॉक्सी प्रोपेन ब्यूटेन इस तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन आपके पास हो जाता है। और इसकी एक एक केमिकल प्रॉपर्टी हम और बात करते हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, एक रिएक्शन और है हॉफमैन एलिमिनेशन वाली, उस पर अलग से बात करेंगे, फिलहाल सेकंड पार्ट में आपको काफ़ी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन पे बात करिए, एक आधे इंपॉर्टेंट रिएक्शन वैसे ऑलमोस्ट काफ़ी करवा दिए मैंने, हाइड्रोपोरेशन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, आपका मार्कोवनिकोव एंटी मार्कोवनिकोव ऑक्साइड से फूल वाला इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन वाले इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप लोगों को वो भी ये वीडियो समझ आएगा, बहुत हेल्प करने वाला है। फिलहाल तब तक के लिए जी लोग अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को, हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।